इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं ऐसे करके बना दिया ये ऐसा करके बना दिया, एक ऐसा कोई भी चित्र फ्री हैंड बना दिया, ठीक है। ये भी एक ड्राइंग है ना, ये भी एक ड्राइंग है। लेकिन मान लो इस, अगर मैं फ्री हैंड बनाया इस तरीके से, एक डब्बा बना दिया, ठीक है, एक डब्बा बना दिया, ये भी ड्राइंग है। लेकिन अगर मैं इसी को ही बना दिया इस तरीके से, ठीक, और बनाया और मैंने ये शो किया कि ये 2 मीटर है, यहां से ये 1 मीटर है, ठीक है, और ये है 3 मीटर, ऐसा मैंने शो कर दिया। तो ये पार्ट सिंपल ड्राइंग कहलाएगा और ये वाला चीज क्या कहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्या कर रहा है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। तो जो भी ड्राइंग किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के बारे में जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है वो क्या कहलाता है, वो वाली ड्रॉइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। इसका मतलब ये कैसी ड्रॉइंग है, दिस इज, जब जब आपको इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है तो ये टेक्निकल ड्रॉइंग है, ठीक है। यहाँ कोई कुछ नहीं, यहाँ से आपको नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ एक फ्री हैंड बना रहे हैं, फ्री हैंड स्केचिंग है ये, है ना, फ्री हैंड स्केचिंग है, ठीक है, कलर भरो ये वो जो भी है इसमें, ये सिंपल ड्राइंग है। लेकिन अगर बातें हो जाएंगी कि नॉर्मल आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, तो उसमें क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन भी बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, ये इसीलिए जब इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसका लेंथ ब्रेड्थ ये हाइट वगैरह सब बता रहा है, तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि ये इसका साइज कैसा है और ये एक्चुअल में है कैसा। अब ये 2 मीटर और 1 मीटर 3 मीटर को आप तो बना नहीं सकते, मतलब किसी भी सीट में, इंजीनियरिंग सीट, इंजीनियरिंग का जो हमारा सीट ले रहे हैं, जो ड्राइंग सीट ले रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग सीट में हम इसको शो तो कर नहीं सकते, इसीलिए इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस। तो 2 मीटर का है ये सीट, लेकिन हम इसको मान लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं, स्केलिंग पढ़ेंगे, स्केलिंग करके हम लोग, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, स्केलिंग पढ़ेंगे इसके बाद, तो स्केलिंग करके इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि 2 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर को लेके चलता हूं, 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर को स्केल कर लेते हैं, ये स्केलिंग होता है, स्केलिंग के हिसाब से बना लेते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे फायदे भी हैं कि भाई ये है कि जो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहां तक कि हमारा खुद का जो घर बना हुआ है वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बना हुआ है। कैसे, अब ऐसे क्योंकि पहले तो हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं, इतना एरिया के अंदर हम लोग ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, इतने एरिया में बनाएंगे, इतना मीटर, इतना डिस्टेंस का बाथरूम होगा, इतना का हॉल होगा, इतना का ये है, तो पूरा स्पेसिफाई कर लेते हैं हम लोग उसके बाद, ताकि हमारा कुछ भी वेस्ट ना हो जमीन। फिर हम लोग उसका मैप तैयार करते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं, जो मैप उसमें तैयार होता है ना वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, जो जो आपका जैसे कि हमारा जो भी है, तो प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन जब पढ़ोगे तो वो किस तरीके से थ्री डायमेंशनल का 2D में जो दिखाते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सब जो चीजें हैं वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वहां देखने वाले हैं, तो उससे हमको पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक 3D ऑब्जेक्ट का 2D ऑब्जेक्ट में, एक सिंपल सा ड्राइंग में, क्योंकि जो ड्राइंग शीट होगा वो तो 2D होगा, तो क्यों ना हम उसको इस तरीके से बना देते हैं, और उसका एक रफ टाइप का 3D जो है किसी एंगल पे 45 डिग्री पे ये पे बना के हम लोग शो कर लेते हैं कि हाँ भाई ये 3D है, इसको इस तरीके से देखेंगे तो ऐसा ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि उसमें बहुत सारे लाइंस दिखाते हैं कि ऐसे लाइन खींच रहे हैं, कहीं डॉटेड डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, कहीं पे सर्कल है उसके बीच में ऐसे सेंटर लाइन खींच रहे हैं, तो ये सब लाइन के बारे में क्या आपको बताता है वो लाइन और क्या नहीं है, ये सब बारे में जो भी डिस्कशन है वो आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था कि हाँ भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और नॉर्मल ड्राइंग क्या है, उसके बारे में ये बातें हो गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग
से हम क्या समझे, जो ये सब तो अगर लिखना है लिख लो, नहीं कोई मतलब नहीं लिखने का, नहीं सिर्फ समझाने का था। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये एक इट इज ए टेक्निकल ड्राइंग which gives the information of an object, ठीक है? Use क्या है? Used to, नहीं, इससे क्या हम लोग, इस drawing से हम लोग क्या gain करते हैं? इस drawing से हम लोग पाते हैं कि we get information of geometry of object, information of geometry of object and further use it in the construction of ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिज, एग्जाम्पल के लिए ब्रिज है, स्ट्रक्चर ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, ये सब स्ट्रक्चर है, ठीक है? ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं और मशीन कंपोनेंट्स, और मशीन कंपोनेंट्स। तो क्या कह रहा है, ये एक टेक्निकल ड्राइंग है which gives the information, object के बारे में information बताता है, we get information of geometry of object, हम क्या find करते हैं, इसके बारे में geometry पता चलता है, geometry का मतलब कितना length है, कितना height है, कितना breadth है ना, ये सारी चीजें हमको यहाँ से पता चलती है, और इस geometry का use कहाँ करते हैं हम लोग, object को बनाने में, construction में, object का construction में use करते हैं, या फिर structure, या फिर machine components बनाने में use करते हैं। मशीन कंपोनेंट जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, एकदम छोटा छोटा नट, छोटे से नट का भी डायग्राम बनता है, बस उसको बड़ा बना देते हैं, हाँ नट का डायग्राम है तो बड़ा बना दिए, बोल्ट का डायग्राम है तो बड़ा बना दिया, ऐसा बोल्ट का डायग्राम है ना, नट और बोल्ट का डायग्राम ऐसा ऐसा है ना, तो ये नट और बोल्ट का डायग्राम जो है बड़ा बना दिया, क्योंकि वो छोटा कंपोनेंट है, तो छोटे वाले कंपोनेंट का भी हम लोग उसको बड़ा दिखा देते हैं, तो ये स्केलिंग होता है। स्केल के बारे में पूरा डिटेल बाद में देखेंगे, अभी बातें कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है और उसकी क्या यूजेस हैं, ये देखेंगे, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये अलग है, एंड देयर यूजेस, ठीक है? अब ड्राइंग करना है, बातें हो गई कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, ये तो क्लियर हो गया हम लोग को, ठीक है, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या समझ में आ गया, लेकिन अब इस ड्राइंग को करना है हम लोग को, तो उसके लिए क्या क्या अपने को जरूरतें हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, क्या क्या साधन सुविधा जो भी चीजें हैं वो क्या लगेगा वो देखना है, तो इसीलिए हम लोग आप पढ़ने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, सिलेबस का पहला पार्ट कि हाँ ये वाली चीजें हैं और इसको कैसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले तो आपको लगेगा, सबसे पहले तो आपको एक ड्राइंग सीट लगेगा, ठीक है? सीट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ड्राइंग सीट के पहले, ड्राइंग सीट के पहले भी क्या लगेगा आपको, एक ड्राइंग बोर्ड, एक आपको क्या लगेगा, ड्राइंग बोर्ड लगेगा। ड्राइंग बोर्ड है मतलब कि आपको सीट को कहीं रखना है, अब भाई टेबल या किसी चीज में रखते हो, है ना, ड्राइंग लग, ड्राइंग बनाना है अब आपको, तो पहले कहाँ पे, किसी टेबल या फिर उस पर रखते हैं, तो जो जिसमें हम लोग रख के बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड। जिसमें हम लोग ड्राइंग सीट को, जो जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं चित्र, जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने वाले हैं, किसी ऑब्जेक्ट का बनाने वाले हैं, कुछ भी बनाने वाले हैं, तो उसको हम लोग किसी में रख के बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दीवार में टांग दिए, इधर टांग दिए इस तरह, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा सा भी लाइन जो है पैरेलल है तो पैरेलल ही होना चाहिए, इधर भी इधर, इधर से उधर भी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर जब आप उसको नापोगे
यहां तक कि पटवारी का नक्शा भी अगर हम लोग देखते हैं, डिवाइडर से नापते हैं उनका, तो थोड़ा सा भी अगर देख रहे हैं कि हाँ इतना है मतलब इतना किलोमीटर होगा, देखे नाप के, हाँ इतना है मतलब वो इतना एक्चुअल में इतना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एरर की कोई गुंजाइश नहीं। जब एरर की गुंजाइश ही नहीं है तो आपको भी पहले, जब बनाने से पहले ही एरर नहीं करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉइंग बोर्ड। तो ड्रॉइंग बोर्ड में रख के बनाना है, तो पहला जो काम आएगा वो आएगा आपका ड्रॉइंग बोर्ड, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत समझने वाली चीजें नहीं है, बस लिखते जाओ और देखते जाओ कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ड्रॉइंग बोर्ड जो है, तो ड्रॉइंग बोर्ड जो होता है लकड़ी का होता है। ड्रॉइंग बोर्ड किसका होता है? एक लकड़ी का होता है, लकड़ी में ही रख के बनाते हैं। लेकिन बात क्या है कि लकड़ी किस टाइप का होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लकड़ी किस टाइप का होना चाहिए। पहली बात तो ये वुड का होगा, है ना, लोहा वोहा का लेके नहीं बैठना है, ठीक है। वुड का क्यों होगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन कैसे वुड का होगा, ये सॉफ्ट वुड का होगा, ठीक है। कैसा वुड का होगा? सॉफ्ट वुड का। सॉफ्ट वुड इसलिए, सॉफ्ट लकड़ी मतलब एकदम सॉफ्ट वाली लकड़ी इसलिए क्योंकि जब आप ड्राइंग का सीट को यहाँ रखोगे तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, कहीं पिन लगाना है, कहीं फंसाना है, तो वो घुस जाए ताकि आसानी से घुस जाए, है ना। पिन या फिर ड्राइंग का क्लिप लगाओगे फंसाने के लिए, है ना, ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए। ऐसे ऐसे नहीं कि लेके हथौड़ा लेके ठोक रहे हैं, ठीक है। तो इतना हार्ड वुड नहीं होना चाहिए। तो सॉफ्ट रहेगा ना तो ज्यादा आसानी से चीजें जो है आपको आसान हो जाएंगी। तो सॉफ्ट वुड होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वुड कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट, ठीक है। और इसका मैं एक बार ऐसी रफली टाइप का, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो ऐसे इस टाइप का अगर मान लो, इस टाइप का रहता है, देखो, ठीक है, इस टाइप का आपका, ठीक है, एक रफली बना रहा हूँ। अब देखो बहुत सारी चीजें तो यहाँ नहीं, बस समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको एकदम ड्रॉ तो करना है नहीं है एग्जाम में। तो ये ड्राइंग बोर्ड है। अब इसका जो है यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐसा करके इस टाइप का समझ जाओ किस टाइप का है। एक लकड़ी का दो, एक तो बोर्ड है, एक पाटा टाइप का है, ठीक है, एक बोर्ड है, एक पाटा टाइप का है, और मान लो ये भी एक लकड़ी का अलग से हार्डवुड का रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग, एक बता रहा हूं इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटन्स। बैटन्स का मतलब होता है कि इस, देखो एक ड्राइंग का एक आपका ये है बोर्ड है। अब बोर्ड के नीचे क्या होता है, दो लकड़ी का ऐसा फंसा दे ताकि लोग वार्पिंग मत हो। वार्पिंग मतलब टेढ़ा वेढ़ा इधर उधर मत हो, है ना। तो टेढ़ा नहीं होने के लिए एक लकड़ी का नीचे में दो डंडी टाइप का ऐसे करके फंसाते हैं ताकि ये स्टेबल रहे, और वार्पिंग ना हो, ठीक है, ऐसे मुड़े ना, इधर उधर मत हो, ठीक है। तो बैटन्स है, इसको बैटन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये तो ये आपका ये है कि ये मैं दिखा रहा हूं, ये है इसके नीचे तरफ होगा, ठीक है, या फिर वर्किंग एज इसको उल्टा ले लो। इसको मैं उल्टा कर दिया हूं, पीछे वाला हिस्सा दिखा रहा हूं, ये बोर्ड का पीछे का हिस्सा है, बैक साइड ऑफ बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड का बैक साइड है। तो आपको ये दो दिख रहा है लकड़ी का, है ना, इसके पीछे बनाना है आपको। तो एक हिस्सा जो रहेगा ये वाला हिस्सा रहेगा, इसके चारों तरफ हिस्से हैं, लेकिन ये हिस्सा रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, वर्किंग एज है। ये क्या है हमारा, वर्किंग एज है। इसी में ही एक ना होल टाइप का रहेगा, ऐसा करके हल्का सा छोटा सा ऐसा, ठीक है। इसको वो यहां पे बोलते हैं, इसको इबोनी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इबोनी, ठीक है। और ये है हमारा कौन सा एज है, ये वर्किंग एज है, इसी में हम लोग काम करेंगे। वर्किंग एज क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर एक नाम का चीज होता है, इबोनी में फंसाते हैं, ठीक है, इबोनी में फंसाते हैं और उसको यूज करते हैं, उसके बारे में भी पूरा पढ़ाऊंगा। तो बस नाम जान लो किसको इबोनी बोलते हैं, बैटन्स बोलते हैं। बैटन्स का क्या यूज है, बैटन्स आर यूज टू प्रिवेंट वार्पिंग, बैटन्स आर यूज टू प्रिवेंट वार्पिंग। तो बैटन्स का क्या यूज है, बैटन्स आर, आज से
रटने वाला चीज है. वेटन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट वार्पिंग, मतलब मुड़ने धुड़ने से रोकना है. ठीक है, ये हो गया. अब ये वर्किंग एज है, तो वर्किंग एज में क्या होता है, वन ऑफ द एज इज वर्किंग एज. इसमें एक एज जो है वन ऑफ द एज इज वर्किंग एज वेयर टी स्क्वायर स्लाइड्स. अभी टी स्क्वायर क्या है वो बताने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद बता दूंगा. तो यहां पे स्लाइड करता है टी स्क्वायर, ठीक है, ये वर्किंग एज है, इसी में स्लाइड करता है, इसी में स्लाइड करता है. अब कुछ इसका साइज देख लेते हैं. इसमें कुछ साइड मान लेते हैं डेजिग्नेशन बोर्ड का, डेजिग्नेशन और साइज. एक सबसे पहला साइज होता है बी नॉट. इसका साइज होता है, ये जो बोर्ड है इसका साइज, एक तो लेंथ इनटू ब्रेथ के हिसाब से यहां सो होगा, ठीक है. तो पहला वाला होता है 1000 × 1500. ये किस में होगा, एमएम में. अब ये पूरा मतलब लेंथ और ब्रेथ बता रहा. उसके बाद दूसरा साइज होता है बी वन. इसका होता है ये देखो, 1000 को यहां रख दो और इधर रख दो 700, 1000, ठीक है. फिर तीसरा होगा बी टू, यहां पे रख दो 700 को इधर रख दो और यहां पे रख देंगे हम 500, ठीक. उसके बाद होता है बी थ्री, 500 को इधर रख दो, याद करने के लिए आसानी होगा, और इधर इसका 350, बस ये एक्स्ट्रा है, ठीक. तो नोट डाउन कर लेंगे अगर पूछ लिया कि बोर्ड का साइज आपको पूछेगा. तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई हो गया. लेकिन इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, थिकनेस भी होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, थिकनेस भी होगा. जो थिकनेस रहता है वो लगभग लगभग थिकनेस रहेगा बोर्ड का, वो लगभग लगभग मैक्सिमम बोर्ड में यूज होता है 25 mm, ठीक है. इसलिए यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और अगर हाइट की बात करूं, जो थिकनेस है 25 से 25 रहेगा, इसमें भी 25 रहेगा, लेकिन इन दोनों में लगभग लगभग 15 होता है, ठीक है. लेकिन ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं बी वन या बी नॉट. अगर आपसे पूछे थिकनेस तो लगभग लगभग 25 mm को यूज करते हैं. और अगर आपसे डेजिग्नेशन पूछे बी नॉट का 1000, देखो इसको 1500 याद रखो, 1500 फिर 1000, 1500 1000, तो 1000 वाला यहाँ, फिर 700 500, ऐसा. तो जब आप टी स्क्वायर का याद करोगे ये अपने आप याद हो जाएगा. तो पूछने के लिए पूछ सकता है, नोट डाउन करें फिर आगे बढ़े. तो ये ड्राइंग बोर्ड है, इसमें दो लकड़ी के लगे रहते हैं, ये पाटा है लकड़ी का, कैसा लकड़ी रहेगा, एक सॉफ्ट लकड़ी रहेगा, जिसमें बैटन्स लगे रहते हैं वो भी लकड़ी के ही लगे रहेंगे. तो बैटन्स जो है, बैटन्स का काम क्या है, ताकि इधर उधर मत मुड़े, इसलिए बैटन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट वार्पिंग. इबोनी होता है जो एक सांचा टाइप का छेद रहता है, ताकि इसमें क्या आ जाए, टी स्क्वायर फिट हो सके. और एक वर्किंग एज है, वर्किंग एज में ही इसी इबोनी के थ्रू क्या होता है, स्लाइड होता है. क्या क्या स्लाइड होता है, टी स्क्वायर स्लाइड होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे छोटा सा बनाया जाता है, ठीक है. फिर इसका डेजिग्नेशन देख लेंगे, डेजिग्नेशन मतलब बी नॉट, इसका साइज अलग अलग साइज का, जैसे कि पेपर का साइज होता है A4, A5, A3, A2, ठीक है, वैसे ड्राइंग शीट का वही वाला साइज होगा. तो उसी हिसाब से साइज जो है बोर्ड का भी रहता है, इतना 1000 × 1500 और ये 25 जो है थिकनेस है, तो इसको अलग से लिख सकते हो या नहीं भी. तो 25 mm अगर स्पेशली पूछेगा कि जो ड्राइंग बोर्ड का लगभग लगभग थिकनेस कितना होता है, वो 25 mm होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यूज 25 mm वाला करते हैं, इसका और इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है. हो गया, डन, लिख लिया. रिकॉर्डिंग ऑन तो है शायद, क्या रिकॉर्डिंग ऑन है,
आप लोग कैसे पता चलता है रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? शो होता है क्या कुछ? ठीक ठीक है, तो चलें अगला अगला पार्ट, अगला देखें। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ चलो, रिकॉर्ड है, चलो आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, अब इसमें स्लाइड कर रहे हो, इबोनी में स्लाइड कर रहे हैं, तो ये टी स्क्वायर नाम का चीज है क्या चीज, तो अब उसके बारे में दूसरा देख लेते हैं, टी स्क्वायर। चलो लिखते हैं टी स्क्वायर, मिटा रहा हूं। ठीक है, मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग समझ के पढ़ें, भले ही इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना रहे, ठीक है। अब लिखवा दो रटवा दो तो अलग है, मेरा तो आदत है नहीं उस टाइप का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा आप लोग समझ पाओ। तो दूसरा देख, अब जो है दूसरा इंस्ट्रूमेंट वो है अपना टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर नाम से ही इसका टी नाम का है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरीके से एक ऐसा पीछे में ऐसा ब्लेड रहता है, और यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है, टी टाइप का। इसको बोलते हैं हम लोग, एक तो वर्किंग एज होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा, थोड़ा कलर वलर का यूज किया गया है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है वर्किंग एज। इसी में इसी से हम लोग काम करते हैं, इसमें वर्किंग एज ये होता है ब्लेड, मतलब ये ब्लेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, और इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री होता है। टी समझ में आ रहा है टी से? तो इसका काम क्या है, it is used for drawing horizontal lines. Horizontal, और कैसे 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 लाइन बनेगा इसमें, horizontal line कैसे है, जैसे कि मान के चलो, जैसे जैसे ड्रॉइंग बोर्ड है, यहाँ यहाँ एक ड्रॉइंग बोर्ड लगा है ऐसा। अब उसमें क्या है कि क्या फंसा है, हम लोग इसको फंसाते हैं, किसको, स्टॉक को फंसाते हैं, कहाँ, इबोनी में। स्टॉक कहाँ फंसेगा, इबोनी तरफ में फंसेगा, इबोनी दिखा, ड्राइंग बोर्ड दिखाया था, फंसेगा। फिर उसके बाद ये क्या है ना, स्लाइड होता है बोर्ड में, ऐसे वर्किंग एज में, बोर्ड के वर्किंग एज में ऐसा स्लाइड होगा। तो ये जो ये है, यहीं से हम लोग लाइन खींचते जाते हैं, ऐसा 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 ऐसा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। अब इसको ऐसा कर लोगे, ऐसा 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 आगे लाइन खींचते जाओगे, इसीलिए वो क्या है, यूज्ड फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन बाय स्लाइडिंग द स्टॉक टू द डिजायर्ड पोजिशन, जहां पे आपको लाइन खींचना है वहां तक स्लाइड कर लीजिए और लकीर खींच दीजिए, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, फिर इधर मैं मिटा रहा हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच रहा है, ऐसे पैरेलल खींचते जा रहे हैं, ठीक है, इसको स्लाइड कर रहे हैं पैरेलल, इधर बोर्ड लगे रहेगा यहाँ पे ऐसा, फिर उसको ऐसे स्लाइड करते जाओ, फिर लाइन ऊपर इसी से खींचना है, कहाँ से, वर्किंग एज से, ऐसे ऐसे खींचते जाना है ऊपर, नीचे करोगे तो नीचे, और जहां आपको जरूरत है वहां आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर का भी रहता है डेजिग्नेशन, एक तो आपका इसमें होता है टी नॉट, जो आपका टी नॉट होता है वो 1500 mm का होता है, टी वन होता है
कितने का होता है? 7 cm, उसके बाद टी 2 होता है, 5 cm, ठीक है, इस टाइप का रहता है। 1500 के बाद नहीं, 1500 से बाद 1000 लिखो, फिर ये 7 cm, फिर ये T3 रहता है, वो 5 cm, ये इसका साइज है, टी स्क्वायर का साइज है। और ये कौन सा साइज है? ये वाला साइज, ये वाला लेंथ को, वर्किंग एज का लेंथ। ये क्या है? टी जो है, टी नॉट, टी वन, टी टू, टी थ्री आर द वर्किंग एज लेंथ। कौन सा लेंथ है? ये वाला, ठीक है, ये वाला वर्किंग एज का लेंथ है, ये सो होता है। अब आपका ड्राइंग बोर्ड में एक चीज याद ध्यान दो, ड्राइंग बोर्ड में कैसा होता था, बी नॉट कैसा होता था, बी नॉट क्या होता था आपका, 1000 × 1500, इसका गुणित देखो नीचे वाला का, तो ये टी स्क्वायर के हिसाब से बनाते हैं, दूसरा वाला मल्टीप्लाइड बाय ये बी वन, इसका वाला मल्टीप्लाइड बाय ये 700, देखो याद हो गया 1000, फिर बी टू, इसका वाला मल्टीप्लाइड बाय ये, तो 500 गुणित 700, अब बी थ्री जो रहेगा वो बस 500 का 500 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 350, शायद यही था। ये ड्राइंग बोर्ड का था, ठीक है, तो ये टी स्क्वायर के हिसाब से ही ड्राइंग बोर्ड बनता है, टी स्क्वायर के हिसाब से ही ड्राइंग बोर्ड बनता है, टी स्क्वायर का साइज को देखते हुए ड्राइंग बोर्ड को बनाते हैं, ताकि वो उस हिसाब से स्लाइड करे, उतना साइज रहे, तो उसी हिसाब से साइज बनाते हैं। फुल साइज वाला ये फुल साइज में यूज होगा, ये वाला वो वहां पे भी यूज हो सकता है टेढ़ा करके, और यहाँ पे भी यूज हो सकता है, तो इस हिसाब से बनाया जाता है। हालांकि चौड़ाई इतना है तो आपको 1000 यहाँ रहना पड़ेगा, तो ये इसके लिए यूज हो जाएगा, दोनों के लिए यूज हो जाएगा ये, है ना। तो याद करने के लिए बस आपको ये वाला याद रहना, 1500, 1700, 500, इसके बाद ये नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाला मल्टीप्लाइड बाय, नीचे वाला, तो उस हिसाब से इसका साइज आ जाएगा। चलिए तो लिख चुके हो, अब बात कर लेते हैं कि यहां यहां पे वर्किंग एज का और इस्तेमाल क्या होता है टी स्क्वायर में। एक इस्तेमाल यह है कि इसका सेट स्क्वायर के साथ यूज कर सकते हैं, सेट स्क्वायर के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेट स्क्वायर यहां फंसा के इसको साथ में इधर उधर घुमा सकते हैं, तो इसका सेट स्क्वायर के साथ यूज होगा, तो क्या होगा, वर्किंग एज of t square is also used, working edge of t square is also used as a base of set square, as a base of set square, है ना। सेट स्क्वायर से क्या यूज होगा, टू ड्रॉ वर्टिकल इंक्लाइंड एंड म्यूचुअल पैरेलल लाइंस, टू ड्रॉ, टू ड्रॉ स्ट्रेट, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड, टू ड्रॉ इंक्लाइंड वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सेट स्क्वायर यहां यूज करके टू ड्रॉ वर्टिकल इंक्लाइंड एंड म्यूचुअल पैरेलल लाइंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि वर्किंग एज में आप क्या रखोगे, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है अभी बताने वाला, अब आगे कहानी चलेगा सेट स्क्वायर का, इस सेट स्क्वायर क्या होता है, इसके साथ फंसाते हैं सेट स्क्वायर को, और आप इससे सेट स्क्वायर के यूज से, सेट स्क्वायर का यूज करते हुए क्या करोगे आप, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन और म्यूचुअल पैरेलल लाइन भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें सिर्फ क्या कर रहे हो, पैरेलल लाइन यूज ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अगर इसमें सेट स्क्वायर यूज करें तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, आप वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इंक्लाइंड लाइन भी, इंक्लाइंड इसको बोलते हैं, वर्टिकल इसको बोलते हैं और पैरेलल इसको बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ये इंक्लाइंड, ये वर्टिकल, ये पैरेलल, इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सेट स्क्वायर होता है इस तरीके से,
तो ऐसा भी, इंक्लाइंड भी, ये भी। अब इसमें फंसा दिए, ये है वर्किंग लेंथ, इसमें गए वर्टिकल खींच लो, वर्टिकल खींच लो, इंक्लाइंड खींच लो, कितना एंगल पे वो भी खींच सकते हैं, है ना। तो 60 डिग्री वाला रहेगा तो 60 डिग्री वाला, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री वाला होता है, दो सेट स्क्वायर होता है। तो सेट स्क्वायर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है सेट स्क्वायर, मेरा कोशिश है इसका थिकनेस, इसका 30 स्क्वायर का क्या चीज का थिकनेस, इसका कोई थिकनेस थोड़ी होता है, इतना पतलू सा तो होता है स्केल के बराबर, पॉइंट में भी नहीं रहता, उसका कोई थिकनेस नहीं, 30 स्क्वायर का कोई थिकनेस नहीं होता, वो रहता भी नहीं, उसका कोई स्पेशल स्पेशली नहीं, स्केल होता है ना, वही तो है, स्केल टाइप का तो है, पतला सा ब्लेड है। अब ब्लेड का कितना थिकनेस होगा, ब्लेड का कितना थिकनेस होगा, ठीक है, क्लियर, अभी तक समझ में आया क्या चल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं। अब देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग ना उस चीज को कोशिश करिए कि उस चीज को नोट डाउन करते रहिए और उस चीज को पढ़िए। अपने को क्या है ना, अपने को जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाके ना हम लोग को ड्राइंग नहीं बनाना है और कैसे फंसाना है और क्या करना है वो वाली कहानी नहीं है, बस इमेजिन करते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इमेजिनेशन होना चाहिए आप लोग का कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपने को एग्जाम निकालना है, पर्पस क्या है हमारा, एग्जाम निकालना है, अपने को हर चीज पता होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर ड्राइंग करने बैठेंगे कि हाँ उसमें फंसा के क्लिप लगा के देखेंगे कैसे फंसेगा कैसा होगा, हाँ फंसता कैसे है वो मैं बता चुका हूँ एक बार आप लोग को समझ ये नहीं आया था, जो स्टॉक है वही कहाँ जाके फंसता है, स्टॉक जाता है कहाँ फंसता है, इबोनी में ड्राइंग बोर्ड के, और उसमें फंस के स्लाइड करता है, ये चीज बता चुका हूं, इसी के जस्ट पहले ही तो बताया था, है ना, स्टॉक से इबोनी में फंसता है और फिर स्लाइड करता है, ठीक है। तो लेकिन अपने को ना ज्यादा ना ड्राइंग पर्पस से नहीं जाना है, अपने को सिर्फ समझना है क्या, और इमेजिन करना है, इमेजिन करते रहो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब बात करते हैं सेट स्क्वायर क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग का ना जो पढ़ा रहा हूं ना उसमें लिंक्ड करते जाऊं, एक के साथ एक, ड्राइंग बोर्ड के साथ अपन इसको लिंक्ड किए, इसके बाद अपन सेट स्क्वायर को लिंक्ड करेंगे, उसका उस तरीके से जितना आसान हो जाए उतना अच्छा आपके। चले मिटाऊं, मिटा दूं, डन, इसको रट्टा मारना है, हालांकि समझ भी रहे हैं अपन, समझ के ही पढ़ेंगे तब तो। अब बात कर लेते हैं सेट, किसका, सेट स्क्वायर्स, सेट स्क्वायर की बातें हो रही हैं। तो सेट स्क्वायर्स में दो प्रकार का सेट स्क्वायर होता है, एक आपका 30-60 डिग्री का होता है, कितने का होता है, एक 30-60 डिग्री का होता है, देखो ऐसा देखा होगा, इस टाइप का देखा है, 90 होता है ना, और ये 60, तो ये 30 डिग्री, एक ऐसा होगा, और एक होगा 45 डिग्री वाला, देखे होंगे सब, 45 यहाँ, 45 और ये 90, ठीक है। दो प्रकार का सेट स्क्वायर होता है, एक है 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर, एक है 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर। अब क्लियरली है यहां पे क्या है, आपको कितने एंगल पे आपको लाइन खींचने देगा, 60 डिग्री पे, कितने एंगल पे लाइन खींचने देगा, 30 डिग्री पे, कितने एंगल पे लाइन खींचने देगा, 90 डिग्री पे, ठीक है। इसका काम यही है, लाइन, इट इज यूज टू ड्रॉ लाइन एट द 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो 30 डिग्री सेट स्क्वायर का क्या काम है, क्या काम है, अब इसी को फंसाते हैं कहां पे, किसमें फंसाते हैं हम लोग, टी स्क्वायर में फंसाते हैं, ऐसा ऐसे उठाओगे उसी के साथ इसको स्लाइड करोगे तो ऐसा खींच सकते हो, ऐसा लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, वैसे इसको खींच सकते हैं, 45-45, 60-30 इसके एंगल पे अपन खींच सकते हैं। तो 30-60 सेट स्क्वायर का अपना क्या काम है, 30-60 यूज्ड टू
draw line at 30 degree, 60 degree and 90 degree. इतना काम है बस इसका. ठीक, उसके बाद है हमारा 45 डिग्री सेट स्क्वायर, ये ए वाला और ये बी वाला. हाँ, इसमें एक लेंथ अभी देख लो, ये जो लेंथ होता है तो इसका मैक्सिमम जो हम लोग इतना वाला 250 mm वाला यूज करते हैं. ठीक है, और इसका जो रहता है 45 वाले का, ये रहता है 200 mm का. तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर के बारे में देखते हैं. 45 डिग्री सेट स्क्वायर का मतलब ये है टू ड्रॉ लाइन सेट 45 डिग्री एंड टू ड्रॉ लाइंस एट 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. 45 डिग्री और 90 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का लाइन खींच पाएगा ये. ठीक है, और यहां पे आप क्या है, एक चीज और कर सकते हैं, अगर इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, किसका कॉम्बिनेशन, 45, देखो 45 और 30 का, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों का कंबाइन करके, देखो 45 में, 45 में 60, 60 में 45 माइनस हो रहा है 15 डिग्री, 45 में 30 माइनस हो रहा है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय यूजिंग द, एक चीज और लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट स्क्वायर्स, इंक्रीमेंट ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री का इंक्रीमेंट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन. ठीक, कैन ऑल्सो बी ड्रॉन. 15 डिग्री का इंक्रीमेंट, जैसे कि मान लो सर्कल है, ठीक है, यहां 15 डिग्री, यहां 15 डिग्री, 15 15 डिग्री का भी आप बना सकते हो. ठीक है, ऐसे लाइन, ऐसा 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 करके, तो सर्कल को भी आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. मतलब सर्कल को भी डिवाइड करता है कितने पार्ट में, एक तो इसको आप या तो कितने पार्ट में, आप या तो 6, 8, 12 या 24 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट स्क्वायर. वी कैन डिवाइड सर्कल इन 6, 8, 12, 12 और कितना हो जाएगा 24, 24 पार्ट्स. अब कैसे ये कैसे डिसाइड हो रहा है, पंद्रह डिग्री का इंक्रीमेंट कितना मैक्सिमम सर्कल को वो कर सकता है, 15 डिग्री, एक पार्ट, दो पार्ट, 15 डिग्री, ऐसे करते करते 24 पार्ट मैक्सिमम ये डिवाइड कर सकता है सर्कल को. ठीक है, 15 15 का इंक्रीमेंट, फिर 45 का, 45 का इंक्रीमेंट, 45 का, 45 का, फिर 60 का, 60 का, इस टाइप का चलेगा तो कर सकते, 30 का, 30 का, ऐसा ऐसा काम कर सकते. तो 6, 8, 12 और 24 इक्वल पार्ट्स में सेट स्क्वायर बाय द कॉम्बिनेशन. अब किसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसको यूज सिंगल तो कर नहीं सकते, इसको यूज सिंगल नहीं कर सकते, सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर लिखो. टी स्क्वायर के साथ यूज होगा, ये टी स्क्वायर के साथ यूज हो रहा है, टी स्क्वायर के साथ. ठीक है, टी स्क्वायर के साथ ऐसे करके ऐसे थोड़ी मोड़ दोगे, इसको टी स्क्वायर के साथ मोड़ना है ऐसे ऐसे. ठीक है, तो ठीक है, इतना लिख लीजिए, इतना सफिशिएंट है. इससे कहाँ कहाँ से, इससे ऊपर से जितना अगर पूछेगा सेट स्क्वायर में, अगर थ्योरी तो इतना ही पूछेगा, 15 डिग्री का इंक्रीमेंट तक पूछ सकता है, 15 डिग्री का एक क्वेश्चन, और यहाँ पे टी स्क्वायर के बारे में पूछेगा. ठीक है, डन. चलिए मिटाओ, आगे चले, आगे बात कर लेते हैं जो सबको पता है इसके बारे में पूरा, वो है
वो है इंजीनियरिंग कंपास, इंजीनियरिंग कंपास। ठीक, मैं मिटा रहा हूं। इंजीनियरिंग कंपास, कंपास सुना है, जो ऐसे करके हम लोग सर्कल बनाते हैं ऐसे पकड़ के, है ना, पेंसिल एक साइड लगे रहता है ना। अब उसका चित्र तो नहीं है समझ में आता मेरे को, लेकिन इस टाइप का रहता है, इस टाइप का, फिर यहाँ ऐसा लगा रहता है नोकी, इधर एक रहता है यहाँ तक डंडी, है ना, फिर इधर हो सकता है पेंसिल वेंसिल लगा लो जो भी। ठीक है, तो इस टाइप का रहता है इंजीनियरिंग कंपास, है ना। तो क्या काम आता है, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ, क्या बनाने, सर्कल बनाने काम आता है, यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल, आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क भी थोड़ा सा हिस्सा करा दी, इतना सा बनाए तो आर्क बन गया, पूरा गोल बना दिया तो सर्कल बन गया। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू ड्रॉ आर्क सर्कल एंड समटाइम्स टू जॉइन, है ना, आर्क सर्कल एंड समटाइम्स टू जॉइन द कर्व। ठीक है, कभी कभी देखो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, उसको जॉइन करने के लिए ऐसे खींचे, यहां से जॉइन हो रहा है तो आ गया, ऐसे करके पकड़ के, ऐसे करके, ऐसे पकड़े इसके पॉइंटर पे, ऐसे घुमाए ये पूरा सर्कल, और ऐसे अगर यहाँ पे है नोक लगाया यहाँ से, तो कभी कभी ज्वाइन करने काम आता है कर्व को, कर्व को ज्वाइन करने काम आता है। ठीक है, और इसका यही है कि दो, एक तो आप लिख सकते हैं लार्ज कंपास, लार्ज कंपास जो होता है, अब बात करते हैं इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा इस सर्कल का, तो कितना रेडियस तक लार्ज कंपास कर सकता है ये आपका, उसको अगर रेडियस जो है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन अगर आपका 20 mm होगा तो, 20 mm से अगर ज्यादा रेडियस, ये 20 mm से ज्यादा रेडियस कर लिया तो लार्ज कंपास, और एक होता है स्मॉल कंपास, स्मॉल बो कंपास, तो स्मॉल बो कंपास मैं ये सब चीज आप लोग सब जानते हो, इसलिए ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकला जाए यहां से। ये अगर रेडियस जो है आपका लेस देन 25 mm रहेगा तो स्मॉल बो कंपास। ठीक है, एक होता है लेंथनिंग बार, एक होता है लेंथनिंग बार। ठीक है, लेंथनिंग बार क्या होता है, लेंथनिंग बार में ये जो पेंसिल होता है यहाँ पे, इसको ना निकाल के ना एक बार ऐसे टाइप का लगाया जाता है, एक और लगाया जाता है, उससे क्या है ना कि उसको नट को खोलते हुए ना ऐसे फैल जाता है, इतना बड़ा रेडियस, तो कितना है जहां रेडियस ग्रेटर देन 150 mm तक ये नाप सकता है। ठीक है, इतना ये बना सकता है सर्कल, इतना रेडियस का। बाईस या तेईस रहेगा तो, 22 या 23 रहेगा तो इसको यूज कर लेना, 25 के नीचे है ना, ये इक्वल थोड़ी है, इसको यूज कर लेना स्मॉल बो कंपास, है ना, कोई दिक्कत नहीं, या इसको भी यूज कर सकते हो, 20 mm से ज्यादा है लार्ज, स्टार्टिंग ही इसका लगभग यहीं से हो रहा है ना, तो दोनों को यूज कर सकते हो। अभी क्लियरली कहीं कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है इस टाइप का है, कहीं इसको 20 ले लेता है, कहीं ये अप्रोक्सीमेट है, पूछेगा ही नहीं है सब चीज, लेकिन लेंथनिंग बार का पूछ सकता है कि रेडियस जो है ग्रेटर देन 150 mm को ये नाप सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे डिवाइडर की। डिवाइडर ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, डिवाइडर का काम सबको पता है, ऐसी रहेगा बस, पेंसिल की जगह क्या रहेगा यहाँ पे,
पेंसिल की जगह यहाँ पे इसी तरीके से एक नोकीली रहेगा, ठीक है, इस टाइप का रहता है, ये है डिवाइडर। अब है ना, अब इसका काम क्या है, ये डिवाइड किसी लाइन को, कोई स्ट्रेट लाइन है, इतना डिवाइड कर लिया, यहां से यहां डिवाइड कर लिया, ऐसे रखा, उसके बाद आगे रखा, फिर डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद आगे रखा, फिर ये डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद आगे रखा, ऐसा। तो स्ट्रेट लाइन को भी डिवाइड कर सकता है इक्वल पार्ट में, या कर्व है उसको भी ऐसे डिवाइड कर लिए, फिर ऐसे डिवाइड कर लिए यहाँ, फिर ऐसे डिवाइड कर लिए यहाँ, रखे ऐसा, फिर उसके बाद ऐसे रख लिए, ठीक है। यहाँ मेरे पास अब पूरा सामान लेके नहीं आया हूँ जो आपको बता पाऊँ, लेकिन समझ जाओ, ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा रखे, फिर उसके बाद ऐसा रखे, फिर ऐसा रखे, तो किसी कर्व को स्ट्रेट लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, किसी कर्व को या स्ट्रेट लाइन को भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। डिवाइडर देखो इस टाइप का दिखेगा, तो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू डिवाइड कर्व और स्ट्रेट लाइन इनटू, यूज्ड टू डिवाइड कर्व और स्ट्रेट lines into desired number of, जितना आपको चाहिए उतना desired, है ना, desired number of equal parts, ठीक है, desired number of equal parts, ठीक है। तो बस समझाने के लिए है, और जैसा मैं समझा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपने एक अपने जहन में जो आ रहा है मेरे लैंग्वेज में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को जितना है सिंपल से सिंपल चीजें समझ में आ जाए। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, अब किसी कर्व में है इक्वल पार्ट ये ये ये, तो इक्वल कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में है तो इक्वल इक्वल, ठीक है। तो यूजेस पूछेगा तो ऐसे बता देना है, ठीक है। हाँ, तो इक्वल टू डिवाइड क्या क्या, लाइन को, आर्क को, सर्कल को, किसी को भी ये डिवाइड कर सकता है, लाइन को, आर्क को, सर्कल को डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स, और सबसे खास बात, इसकी सबसे खास बात है विथ एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विथ एक्यूरेसी। बस हो गया, अगर क्वेश्चन में ऐसा आया, चलो एक क्वेश्चन ऐसा आया, जैसे थ्योरी क्वेश्चन आया, Which instrument question? Which instrument is used to divide a lines? To divide a lines into number of equal parts? Into number of equal parts? Into number of equal parts, option A, with accuracy, याद रखना, option A, divider, option B, scale से भी divide करते हैं, है ना, scale से भी करते हैं, compass से भी divide करते हैं, exactly करते हैं, या option D, All the above. ऐसा क्वेश्चन जब आए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, देखो लिखा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिवाइड द लाइंस नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विद एक्यूरेसी, कभी भी किसी को डिवाइड करना है आपको इक्वल पार्ट्स में, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो होगा डिवाइडर। स्केल भी क्या करता है, डिवाइड करने के लिए काम आता है, हाँ डिवाइड कर सकते हैं, हाँ एक सेंटीमीटर, फिर इतना ये, फिर इतना ये, उससे भी डिवाइड करते हैं, और उसके बाद कंपास से भी करते हैं, कंपास, अब पेंसिल है यहां रखे ऐसा पेंसिल, फिर यहां रखे ऐसा पेंसिल, फिर आगे रखे ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन बात होगी जब एक्यूरेसी की तो केवल और केवल डिवाइडर सबसे एक्यूरेट देगा, ठीक, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, निडल टू निडल, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्टर,
सब क्या अब मजबूरी की सब पढ़ाना है, अब क्या अब इसमें दिया है कुछ वो मान लो पूछ लिया कुछ चीजें इसमें, तो सबको पता होनी चाहिए ठीक है। तो प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर कैसा होता है भाई, ऐसा करके चांदा जो बोलते थे हम लोग, हाँ ऐसा किसके का ऐसा करके मान लो इस टाइप का रहेगा है ना, और एंगल इसका किस टाइप का रहेगा, ऐसा भी रहेगा या फिर इस टाइप का। तो यहाँ पे अगर यहाँ से जीरो चालू हो रहा है तो यहाँ यहाँ ऐसा 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 एंगल रहता है, यहाँ 90 डिग्री है ना, उसके बाद ऐसा 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 एंगल फाइंड करना, यहाँ 180 डिग्री, फिर इधर इधर से जब जीरो देगा इधर 180 रहेगा, इस टाइप का रहता है। चलो क्या करना था, सीधा इसको लिख लो चुपचाप, यूज्ड सबको पता है, इतना आगे अपन आगे पढ़ लिख के आ गए हैं तो ये सब चीज यूज कर चुके हैं। यूज टू ड्रॉ और मेजर सच एंगल्स, ये उन एंगलों को यूज आता है जहां पे आपका सेट स्क्वायर काम नहीं आता है ना, या फिर जहां पे सेट स्क्वायर जो एंगल नाप नहीं सकता उन जगह पे ये उन एंगलों को ये यूज करने के काम आता है ठीक है। यूज टू ड्रॉ मेजर सच एंगल्स दैट cannot be drawn with set square, cannot be drawn with set squares, ठीक है। प्रोटेक्टर का ये काम है, कहानी खत्म, आगे चलते हैं। ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, हाँ एक्यूरेसी ना होगा तो ऑल होगा, ऑल कर सकते हैं, एक्यूरेसी नहीं है एक्यूरेसी देगा तो डिवाइडर, सबसे बेस्ट डिवाइडर क्योंकि डिवाइड तो सब में कर सकते हैं, लेकिन मेन काम डिवाइडर, अगर आपका ऑप्शन ऑल द अबव अगर नहीं रहेगा और डिवाइडर स्केल कंपास सब चीज दिया रहेगा तो डिवाइडर ही मारना सबसे बेस्ट, डिवाइड करने का उसका मेन नाम ही डिवाइडर है ना ठीक है। प्रोटेक्टर हो गया, अब बहुत इंपॉर्टेंट पेंसिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, पेंसिल कौन कौन सा यूज करना है अपने को ड्राइंग में ठीक है, कैसा उसका रहता है किस टाइप का रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन। ग्रेड्स, अब पेंसिल यूज करना है ना, अब आपको कुछ कुछ चीजें पता चल गई, कुछ इंस्ट्रूमेंट, अब पेंसिल भी तो यूज करना है ड्रॉ करने के लिए, ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। चलो थोड़ा सा ग्रेड्स ऑफ पेंसिल देख लेंगे, उसके बाद मेरे हिसाब से एक दो चीज और पढ़ लेंगे, तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, बाकी तो कुछ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ग्रेड्स ऑफ पेंसिल में देखेंगे किसमें टोटल कितने ग्रेड होते हैं, एक मिनट इधर आ जाता हूँ, थोड़ा मैं उल्टा पड़ जाता है। टोटल जो ग्रेड है वो 18 प्रकार के रहते हैं, ये सब नहीं पूछेगा लेकिन 18 ग्रेड है। अब ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है ना, एक तो आपका हार्ड और आपका एक मीडियम और एक सॉफ्ट, हार्ड वाला मीडियम और सॉफ्ट ठीक है, हार्ड ग्रेड फिर मीडियम ग्रेड, अब यहां से पूछ सकता है सॉफ्ट ग्रेड ठीक है ओके। हार्ड ग्रेड मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड, तीन प्रकार का कैटेगरी होगा, हार्ड वाला मीडियम वाला और सॉफ्ट वाला। अब यहां आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा है, सबसे हार्ड ग्रेड में सबसे हार्ड, या तो इस कैटेगरी में कितने आएंगे, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में 18 है, 6 इसमें आएंगे ठीक है। तो तीनों को 6-6 पेंसिलों में डिवाइड किया गया, तो 6 इसमें आ जाएंगे, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है ठीक। तो सबसे हार्ड पेंसिल क्या है, 9H, सबसे हार्ड पेंसिल क्या है, 9H सबसे हार्ड है, हाँ ठीक है, सबसे हार्ड 9H है। फिर इसमें 6 कैटेगरी है तो चलते जाओ 8H, फिर 7H, फिर 6H, फिर 5H, 3 हो गया 4-5, उसके बाद 4H। ये 6 पेंसिल जो हैं वो हार्ड ग्रेड के अंदर आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 5H कौन से ग्रेड में आता है, तो हार्ड ग्रेड बोले ठीक है।
तो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल जो है, हार्डेस्ट पेंसिल है वो है 9H। ठीक है, चल आगे बढ़े। जब 4H आ गया, अब जो आएगा वो 3H आएगा, 2H आएगा, ठीक है, 2H आएगा, फिर क्या आएगा, एक H आएगा, H आएगा, फिर HB आएगा। HB पेंसिल देखा है ना, HB, HB, HB का जो फुल फॉर्म होता है, HB का वो होता हार्ड, ऐसे हार्ड बॉन्ड, ठीक है, हार्ड बॉन्ड, हार्ड बॉन्ड, ठीक है, इसको लिख लेना है, हार्ड बॉन्ड। यहां पे ब्लैकनेस शो नहीं करेगा, ये जो बी है ये ब्लैक नहीं है, ये है आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये है बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद HB के बाद फिर B, उसके बाद छोड़ो, B के बाद यहां पे 2B, फिर 3B, फिर 4B, फिर 5B, 6B, फिर 7B। तो देख रहा है, 6 3 4 5 आ रहा है इसमें, 3 3 6, ठीक है। तो यहां पे B के बाद 2B आया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पेंसिल होता है, दैट इज F। इसको बोलते हैं हम लोग, F को क्या बोलते हैं, F को बोलते हैं हम लोग फर्म, ठीक है, फर्म है। बी से क्या आएगा आपका, ब्लैकनेस, एच क्या है, हार्डनेस, एच वाली पेंसिल हार्डनेस, जिसके आगे जितना ज्यादा नंबर, 9H सबसे हार्ड, 9H सबसे हार्डेस्ट पेंसिल, और जितना ज्यादा हार्डेस्ट उतना ही लाइटेस्ट। इसको अलग से लिखाऊंगा, छोड़ो। तो HB हार्ड बॉन्ड हो गया, F है आपका फर्म, फर्म है ना, ये बीच में आ रहा है। तो देखो 6 6 6 6 18 कैटेगरी हो गई, और 7B जो होता है वो सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल, सबसे सॉफ्टेस्ट, और सबसे सॉफ्टेस्ट भी है, और सबसे ज्यादा ब्लैक भी देता है, सबसे ज्यादा ब्लैकनेस है, ब्लैक सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा काला जो दिखेगा पेंसिल, उसको लिखो एकदम काला लिखाएगा, एकदम काला। HB जब उतना है तो इन लोग कहां से कहां पहुंचे, एकदम काले, ठीक है, तो ब्लैकिनेस भी दिखाया गया, सॉफ्टेस्ट है। तो ये पूछ सकता है सॉफ्टनेस, या फिर हार्डेस्ट कौन सा पेंसिल है, ठीक है। और कैटेगरी अगर बोलेगा आपसे, एफ कौन से कैटेगरी में आता है, एफ तो मीडियम ग्रेड में, ठीक है, हर जगह नहीं मिलेगा, बुक बुक में कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो पेंसिल के बारे में कुछ कुछ चीजें ये हैं, इनको इनका थोड़ा सा और बता देता हूं। जब हार्डनेस इंक्रीज होगा एज द नंबर ऑफ हार्डनेस इंक्रीजेस, हार्डनेस जब इंक्रीज होगा एंड पेंसिल बिकम्स लाइट, लाइट का मतलब एकदम बिल्कुल लाइट होगा, एकदम उसको खींचोगे तो बिल्कुल धुंधला धुंधला से लिखाएगा, जितना ज्यादा हार्ड उतना, 9H से खींचोगे तो एकदम एकदम बारीक से ऐसा ऐसा दिखेगा ही नहीं, ठीक है, इतना लाइट रहेगा, इसका मतलब वही है। और बोल सकते हैं एज द नंबर ऑफ बी इंक्रीजेस, अगर इसको एच लिख लो, हार्डनेस मतलब हार्डनेस पे, या फिर एच एज द इंक्रीजेस, या हार्डनेस, इसको हार्डनेस एच इंक्रीजेस एज एज द नंबर ऑफ बी इंक्रीजेस, then the pencil becomes dark। अब मैं जो है आप लोग को लिखा दे रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिख लो ताकि याद रहे, ठीक है। और पेंसिल किससे किससे बनता है, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंसिल लिखा दे रहा हूं, कैटेगरी
कहां से आएगा थ्योरी देख लेंगे, सब लिख लो. द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंसिल आर क्या, किससे किससे बनता है? एक तो ग्रेफाइट से, किससे बनता है? एक तो ग्रेफाइट से, क्ले से और वुड से. ठीक है, एक तो वैक्स चिपकाने के लिए, उसके बाद वुड से एंड वुड लिख लो. बस पेंसिल का कहानी खत्म, इससे ज्यादा क्या पूछे. नोट डाउन कर लेंगे फिर रब करूं. क्या बोल रहे हो? हार्ड ब्लैक नहीं, हार्ड बॉन्ड है. ठीक है, HB जो है हार्ड ब्लैक नहीं है, हार्ड बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड है, इसका अलग है. फर्म का मीनिंग होता है, अब देखो फर्म, फर्म ऐसा है, F लिखा है, फर्म है, फर्म का मीनिंग दृढ़ होता है. ठीक है, अपने आप में दृढ़ होगा वो, है ना, दृढ़ संकल्पी होगा. नहीं, हम तो थोड़ा सा मिड रेंज का है, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस. अब डाल दिए हैं जो डाल दिए हैं पेंसिल, अब हमको क्या पता क्यों डाले हैं वहां, है ना. बॉन्ड का मतलब पूछ रहे हो आप लोग, तो बेसिक चीज बॉन्ड क्या है? जुड़ना. बॉन्ड आपकी, देखा आपके दोस्त और आप, मेरी और मेरे एक दोस्त जो मेरा खास दोस्त है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है. मतलब हम लोग बिल्कुल, हमको कोई अलग नहीं कर सकता. तो बॉन्ड मतलब चिपक के एक साथ रहना. ठीक है, बॉन्ड मतलब समझ गए. तो बॉन्ड मतलब यह है कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी है. मतलब बॉन्ड मतलब एक दो एटम का बॉन्डिंग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो बॉन्डिंग हुआ, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं. जितनी तगड़ी बॉन्डिंग उतना उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है. तो वही बॉन्ड है. ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स, इसके जो ग्रेफाइट्स हैं छोटे छोटे जो हैं, वो हार्ड बॉन्ड मतलब ये हार्डली बॉन्ड है एक दूसरे से. तो जल्दी इन लोग नहीं होते, इस टाइप का होगा. इसमें इसको समझने वाली चीजें ही नहीं है, रटने वाली चीजें हैं. इसको समझना छोड़ दो, है ना. ठीक है, हर चीज को समझना नहीं है. मैं समझाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज का रीजन होगा, है ना. हर चीज का रीजन मुझे भी नहीं पता, भगवान तो नहीं है. हम लोग जितना आता है उतना जाता है, थोड़ा मोड़ा आ जाता है, भगवान की कृपा से सिखा दे रहा हूँ आप लोग को. मैं भी नहीं हूं, मैं भी गधा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है. बस थोड़ा थोड़ा सीख जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझा दूं, थोड़ा सा समझा देता हूँ उतना ही है. नहीं तो मेरा जो पुराना रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत सारी फेलियर मैं भी झेला हूं. ठीक है, यूजेस ही तो बता रहे हैं, जितने प्रोटेक्टर हैं, यूज उसके क्या यूज हैं, क्या है, यही सब तो आ रहा है. ठीक है, ग्रेड का तो यूज होता ही है. ग्रेड का तो यूज होता है लाइन खींचने में. ग्रेड अलग अलग पेंसिल का यूज होता है, कौन सा लाइन के लिए कौन सा पेंसिल, बता रहा हूं ना, सब रखो. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कुछ कुछ चीजें जो है वो देख लेते हैं हम लोग. पहले तो लाइंस जब पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगा कौन सा लाइन खींचने के लिए कौन सा पेंसिल को यूज ज्यादा करते हैं. ठीक है, कौन सा लाइन खींचने के लिए कौन सा पेंसिल को ज्यादा यूज करते हैं. अब उसके बाद है सैंड पेपर. सैंड पेपर से क्या करते हैं हम लोग, पेंसिल को नोकिल जो है उसका खींचते हैं. सैंड पेपर का यूज्ड टू शेप द पेंसिल, यूज्ड टू, सबको पता है बचपन में हम लोग ऐसे एक दर्रा टाइप का रहता था पेपर, है ना, पेपर सैंड पेपर खींचते थे तो उसका एक बढ़िया हो जाता था, है ना. तो यूज्ड टू शेप द पेंसिल. अब किस शेप में, या तो चीजल टाइप में या फिर कॉनिकल टाइप में. चीजल जैसे मिट्टी उठाने वाला ऐसा रहता है ना, चीजल उठाने का इस टाइप का रहता है. चीजल एक होता है ना खोदने वाला, वैसी टाइप का चीजल शेप में या फिर कॉनिकल, जैसा आपको मन वैसा. तो सैंड पेपर हो गया, और बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि कटर हो गया, कटर पेंसिल छीलने के लिए, है ना. ये सब हटाओ, सब नहीं पूछता है. कटर है ना पेंसिल को शार्प करने के लिए, शार्प द पेंसिल.
क्या करने के लिए, शार्प करने के लिए, शार्प पेंसिल शार्प करने के लिए। उसके बाद और भी चीजें हैं, फ्रेंच कर्व, ये ठीक है, ये फ्रेंच कर्व तो यूज करते हैं अपन। फ्रेंच कर्व ये जो है आपका कर्व का पॉइंट को जोड़ने काम आता है, ठीक है, स्मूथ वे में। तो इट इज यूज्ड टू जॉइन सीरीज ऑफ ए पॉइंट, इट इज यूज्ड टू जॉइन सीरीज ऑफ ए पॉइंट टू फॉर्म स्मूथ कर्व, ठीक है। इसका देखो ऐसा ऐसा रहता है ये, ठीक है, इस तरीके से ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो इसको इसको रखते हैं, इसको रखते हैं ऐसे, इसको रखते हैं, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, तो मिलाते हैं जहां पे मिल जाए, देखो जहां पे मिल जाए। तो इसको कर्व का यूज है, आपको किसमें यूज आता है, जैसे ये कर्व है, अब इसको मिलाने के लिए कौन सा यूज होगा, इसको इसको उठाए कहीं पे पकड़े, मुझे नहीं पता, चलो एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। अब ये मिनिमम तीन पॉइंट को चाहिए आपको, मिनिमम थ्री पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू जॉइन द स्मूथ कर्व। तीन पॉइंट को आपको जोड़ने वाला कर्व को उठाना है और इसको पकड़ना है, चाहे इधर को उठा लो, इधर पकड़ो, फिर देखो मिलाओ, फिर ऐसे करके ऐसे रखे, ऐसे करके हम लोग ऐसा करके मिलाते हैं, ठीक है। तो ये काम आता है फ्रेंच कर्व। उसके बाद है एक मिनी ड्राफ्टर भी है जो यूज टू ड्रॉ पैरेलल परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड लाइन यूज के लिए आता है। मिनी ड्राफ्टर यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल इंक्लाइंड lines, parallel perpendicular inclined lines at any angles with some limitations, बस यही सब पूछेगा, इसके बारे में समझने का ज्यादा जरूरत नहीं। मिनी ड्राफ्टर जाके यूज नहीं करना हमने को। मिनी ड्राफ्टर एक स्केल टाइप ऐसा रहता है, उसको बांधते हैं, ठीक है, बोर्ड में, उसके बाद उसको स्लाइड करके कहीं भी खिसकाते हैं, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, या फिर ऐसे ऐसे तिरछा कर दिए, उसमें दो स्केल लगा रखा है, तो इधर कर दिया तो फिर परपेंडिकुलर खींचने के लिए, ठीक है, या इंक्लाइंड, थोड़ा सा एंगल घटा दिया, ऐसे घुमाए, फिर उसके बाद इंक्लाइंड खींचने के लिए किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते कोई भी एंगल पे खींच सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन होते हैं उस एंगल के भी। तो मिनी ड्राफ्टर का ये यूज हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला हूं, दैट इज ड्रॉइंग सीट। ड्रॉइंग सीट में पूछ सकता है क्वेश्चन, जहां से पूछ सकता है क्वेश्चन वहां मैं बता दे रहा हूं, ड्रॉइंग सीट का क्वेश्चन पूछेगा। अब बाकी जो भी छोटे मोटे सामान यूज हो रहे हैं, एडहेसिव टेप, ये वो, दुनियादारी, ड्रॉइंग क्लिप्स, है ना, पेपर क्लिप्स, ये सब हटाओ, उसके बाद अब पढ़ेंगे अपन ड्रॉइंग सीट्स, है ना। इसका साइज देख लेते हैं, साइजेस ऑफ ड्रॉइंग सीट। नोट डाउन जल्दी से कर लें, फिर साइजेस बताता हूं। एक होता है सबसे पहले ए नॉट, 841189 mm में रहेगा साइज, ठीक है, ये किस में है, एमएम में रहेगा साइज इसका, डेजिग्नेशन A1, A1 के लिए इसका इसका लगभग लगभग आधा कर लो, 1189 का लगभग लगभग आधा कितना होता है, 594, सेम टू सेम यहाँ रख दो, 841 को यहाँ सेम टू सेम रखो, सेम टू सेम रख दे, इसका लगभग आधा लगभग 594 होगा, ठीक, 94 दशमलव हो रहा है लेकिन दशमलव को नहीं लिखते, ठीक। उसके बाद A2, ठीक है, इसको यहाँ पुट अप सेम टू सेम 594 को यहाँ रख दो, इसका आधा करो कितना आ रहा है, 420 कुछ आ रहा है दशमलव में, तो 420 को ही लेना। उसके बाद A3 साइज का, इसका सेम टू सेम इधर रखो 420 को, ठीक है, इसका लगभग आधा रखो कितना आएगा, 202
दो से डिवाइड कर दो कितना, दो दो चार कितना आ जाएगा, 297। ए फोर साइज का सब पेपर यूज करते हैं, बहुत बोर्ड पूछेगा तो देख लेना ये ज्यादातर। इसको याद रख लो, ये बाकी सब याद हो जाएगा, इसको याद रख लोगे बाकी सब याद हो जाएगा। ए फोर साइज का सेम टू सेम इधर 297 रख दिया, और 420 का आधा कितना होगा, 420 का आधा 210, ये है ए फोर साइज का। ए फाइव भी लिख सकते हो, ए फोर के बाद ए फाइव भी लिख सकते हो, सेम एट एज इट इज 210 उधर रख दिए इस साइड का, इधर इसका आधा लगभग कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 148, दशमलव को नहीं लेते, तो ऐसे ही होता है। तो ये साइज है, साइज ऑफ ड्राइंग सीट, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, A2 का पूछ ले, A3 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले तो याद रखना। अब देखो कैसे रहता है पेपर, ये ड्राइंग जो है जिसमें आपको ड्राइंग बनाना है कैसा रहता है। सबसे पहले ये देखो ऐसा रहेगा, इसमें ड्राइंग बनाना है आप, ओके। अब मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये वाला हिस्सा 1189 mm में है, और इधर वाला जो है आपका 841 है ना, ये mm में है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, यहां से ऐसे करके आधा कर दूं, जब मैं इसको आधा कर दूंगा, जैसे कि मैं ये वाला हिस्सा को आधा किया लगभग, तो क्या आया आपका A1 साइज, जिसका साइज है 594 × 841। अब ये वाला दो पार्ट आधे आधे हिस्से में है, फिर मैं इसको और आधा कर दूं तो क्या देगा ये मेरे को, A2 देगा। इधर A2 कितना है, 420 × 594। अब मैं काम करूं कि भाई मेरे पास ये तो आ गया, तो ठीक है, अब इन दोनों को फोल्डिंग, यही तो आपका सिलेबस में है, फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग सीट ऐसा सिलेबस में लिखा है, यही चीज है। इसको फोल्ड किए तो दूसरा आ गया, ये आया। अब इसको इधर फोल्ड किए, अब इसका ये वाला फोल्ड करोगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे, तो ये A3 आ गया। A3 क्या है, एक हिस्सा 297 × 420, ठीक है। अब इसको इधर फोल्ड कर दो तो ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका, A4 साइज आ जाएगा, और क्या, ये दोनों A4 है, कितना हो गया A4 का, 210 × 297, तो ये है आपका टोटल। तो A0 का पूरा, ये मतलब पूरा ओवरऑल ये क्या है, A0, इसको क्या बोलोगे, 841 × 1189, ठीक। इसका जो एरिया रहता है, एक चीज और, इसका जो एरिया रहता है A0 का, लगभग लगभग 1 m² रहता है, जो गुणा करने के बाद, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ब्रेड का रेशियो सबका सेम है, तो ये लिख लो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ड्राइंग सीट, किसी भी ड्राइंग सीट का, ये चाहे A1, A2, A4, A3 कुछ भी रहे, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 1 √2, ये इंपॉर्टेंट। मतलब पूछ ले कि कितना गुना आपका चौड़ाई बड़ा है, 1.4 होता है, मतलब 41%, मतलब लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपका कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ चौड़ाई कितना है, 41% मोर देन। अब ये तो अपने से मैं लिखवा दिया, इतना तरह अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन आप लोग इतना याद रखोगे, तो √2 क्या होता है, 1.41 लगभग होता है, 41% अधिक। ठीक है, कहीं तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग सीट का क्वेश्चन जितना भी आएगा अपन बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला सब याद रखना, इजी मैं बताया हूं कि इजी कैसे,
यहां से आप देखो इसका जस्ट आधा 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 करते जाना है, सेम इट इज पुट अप, इसको बस याद रखना है 841 गुणित 1189, उसके बाद बाकी सबको देखो इसको रख देना है यहाँ, ठीक है, इसको रख देना है, इसका आधा कर देना है लगभग, ठीक, फिर उसके दशमलव पांच को हटा दो, उससे पहले वाला को लेना है, उसके बाद इसको सेम इज इट एज इट इज रखना है, इसका आधा कर देना है, दशमलव पांच को हटा दो, उसके बाद सेम इट इज इसको रख देना है, इसका आधा कर दो, ठीक है, फिर सेम इट इज इसको यहाँ रख देना है, उसका इसका आधा कर दो, फिर सेम इट इज यहाँ रख देना है, इसका आधा कर दो, इस तरीके से एक ही को याद करोगे बाकी सब याद हो जाएगा। और ये दिखा दिया, एक बड़ा सा ऐसे ड्राइंग शीट रहता है, पूरा टोटल ए नॉट है बड़ा वाला, इसका जस्ट आधा, अगर यही बड़ा वाले को आधा कर दूं तो ए वन आ गया, ठीक है, जब इसका ये जो ए वन का मैं जस्ट आधा कर दूं काट के तो ए टू आ गया, ए टू का मैं ऐसा आधा करूं तो ए थ्री आ गया, अब ए थ्री का मैं आधा कर दूं तो ए फोर आ गया, तो सबका आधा 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 जो है दे रहा है, इसीलिए ये डिवाइडेड। चले आगे बढ़ते हैं अपन, टाइम हो गया लगभग, लाइंस के बारे में बस थोड़ा सा पेंसिल का नाम बता दे रहा हूं, उसके बाद छोड़ देता हूं। अच्छा कैसा लग रहा है ड्राइंग पढ़ने में, तो इंस्ट्रूमेंट ही, अभी तो समझने वाली चीजें ही नहीं आई है, अभी तो इंस्ट्रूमेंट ही है, चीजें पढ़ने वाली चीजें ही नहीं आई है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियर कट कहानी क्या है कैसे है, आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स के बाद पढ़ने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है, नया नया चीज पढ़ रहे हैं अचानक से, फिर है नोट डाउन करते रहोगे, नोट्स तैयार होगा, उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से रखना है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का हर चीज निचोड़ के लाना ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जितना हम लोग एब्जॉर्व कर लेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना, कोशिश मेरा भरपूर रहेगा कि आप लोग को मैक्स टू मैक्स चीजें दें, लेकिन हर चीज 100% नहीं होता है, आपको खुद से भी मेहनत करनी है, मेहनत करना है आपको, क्योंकि जो टीचर का काम है, जैसे मेरा काम है, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता कि भाई आप इसको खाओ तभी आपको मिलेगा, फिर बोलोगे कि सर वो वाला जो है फिजिक्स में आप लाइट ईयर नहीं पढ़ाए थे, है ना, लास्ट टाइम का पेपर का लेवल कैसा था वो मैं कवर अप कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट जैसे कि मैं फिजिक्स में जो भी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जो टॉपिक मैं कराता हूँ वो कवर अप कर देता हूँ, ठीक है, जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन डेफिनेटली मैं कराता हूँ, ठीक है, तो ये डेफिनेटली 25 में 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे और 25 में 25 फिजिक्स के भी कंप्लीट होंगे पुराने पेपर के, ठीक है, तो लेवल जो है वो उस लेवल पे जा रहा हूँ, उस लेवल के ऊपर भी ले जा रहा हूँ, थोड़ा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो सकता है, पर पिछले साल का जो 2016 में आया था पेपर वो लेवल मिड रेंज का लेवल था इसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इजीली आपसे बन जाता, टफ लेवल था मैथ्स और फिजिक्स, दो पेपर जो दो जो टॉपिक थे वो बहुत ज्यादा मतलब टफ थे, हम क्यों टफ तो अब नहीं लगेगा, फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा, मैथ्स पढ़ रहे हो टफ नहीं लगेगा इस बार, तो वो टफ थे, बाकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग थे ये बनने वाले पेपर है, इसमें आपको स्कोर करना ही है, एनी हाउ करना है, ठीक है, हो जाएगा स्कोर, थ्योरिटिकली आ जाते हैं 10 क्वेश्चन तो थ्योरी वाले थे, है ना, 8-10 क्वेश्चन तो थ्योरी वाले थे तो बन जाते हैं, तो ये हम लोग देख लिए ड्राइंग शीट के बारे में, आगे भी हम लोग अब लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और अब जो लाइंस पढ़ाऊंगा जो लाइंस का जो मैं कुछ लिखवाऊंगा आपको लाइंस का नाम, उसमें से एक क्वेश्चन पिछले 2016 में आया हुआ था, तो पहला क्वेश्चन कवर होगा लेकिन अब टाइम नहीं है इसलिए वो नेक्स्ट डे कवर होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे वो कवर हो जाएगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही मैं कवर अप करा देता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाएंगे अपन उसका पूरा पढ़ेंगे, तो एकदम विश्वास रखो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि हाँ ये आसान रास्ता है, इसमें जाओगे ये क्वेश्चन आएंगे, है ना, लेकिन करना आपको है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और इतना सारा आपको 2-3-4 सब्जेक्ट है, उसके बाद हर चीज को कवर अप करना ना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट मेहनत करना ही पड़ेगा आपको अच्छे से, और खुद से भी कुछ चीजें जो है ना करना पड़ेगा, जैसे कि फिजिक्स में आप ले लो, फिजिक्स में आप बोलोगे कि सर लाइट ईयर तो आप नहीं पढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा तो पढ़ लो, जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया लाइट ईयर, लाइट ईयर किस लिए किसका किसका मापक है, किसका मापक है, दूरी का मापक है, ठीक है, ये डिस्टेंस का है, तो
कुछ चीजें जो है एक साथ हर चीज नहीं, अगर मेरे पास आखिरी में समय बचेगा तो छोटी छोटी चीजें जो है जो छूटी है लग रहा है मेरे को वो मैं कवर अप करा दूंगा, लेकिन अभी जो टाइम देखते हुए अपनी जो चीजें जरूरी हैं जो इम्पोर्टेंट है वो कवर अप करना जरूरी है ना। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मेरा कोशिश है पूरा कि आप लोग को मैक्स टू मैक्स कवर करा दूं। इतना बड़ा सिलेबस है ना कि हर चीज एक एक लाइन लिखाना मुश्किल हो जाता है। तो देख लाइंस के बारे में देख रहे थे और इसी से लाइंस से ही आया था 2016 में एक बार क्वेश्चन, ठीक है, सेंटर लाइन पूछा था, सेंटर लाइन, इसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पेंसिल का नाम बता देता हूं, लाइंस में लाइंस लिख लो यहाँ और इधर पेंसिल लिख लो बस। पेंसिल का यही बात कर रहे थे, पेंसिल का यूज कहाँ आ रहा है, लाइंस खींचने में आएगा। पहला ले लेते हैं अगर इनिशियल, इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन, इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके बारे, इसको जब आपको इनिशियल वर्क, शुरू का वर्क या कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है तो उसमें कौन सा पेंसिल यूज करना है, आपको एच पेंसिल यूज करना है। कौन सा पेंसिल यूज करना है, एच, ठीक है। दूसरा आउटलाइंस, आउटलाइन बनाना है, मान लो आउटलाइंस बनाना है या फिर डॉटेड लाइन बनाना है, डॉटेड डॉटेड डॉट डॉट ऐसे 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 डॉट लाइन बनाना है, डॉटेड लाइंस, और सेक्शन प्लेन लाइंस, अगर सेक्शन प्लेन लाइंस, सेक्शन प्लेन लाइंस है ना, सेक्शन प्लेन लाइंस कैसा होता है अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, इस टाइप का रहता है, ऐसे 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 लाइन रहता है, ठीक है, इसको हटाओ, सेक्शन प्लेन लाइंस हो गया। और डायमेंशन लाइंस, डायमेंशन लाइन को भी और क्या ले सकते हैं, हाँ एरोहेड, एरोहेड्स को, जैसे एरो बनाते हैं एक एरोहेड बनाते हैं वो वाला, ठीक है, एकदम हल्का होना चाहिए ना, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए कंपैरेटिवली, तो टू एच यूज करते हैं, ठीक। तीसरा सेंटर लाइन, ये क्वेश्चन था लेकिन ये नहीं पूछा था जो मैं बता रहा हूं पेंसिल का नाम, हो सकता है इस बार पूछ ले सेंटर लाइन बनाने के लिए कौन सा पेंसिल का यूज होता है, सेंटर लाइन है ना, सेक्शन, सेक्शन प्लेन लाइन है ये सेक्शन लाइन ओनली, ठीक है, सेक्शन लाइन, इसको यूज करते हैं हम लोग 3H या 4H पेंसिल, ये लाइन खींचने के लिए 3H या 4H पेंसिल यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइंस, ये कल होगा, ठीक है। तो देखो पेंसिल का यूज जब शुरू में कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना होगा, देखोगे मैथ में कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहे हैं उसके लिए H यूज करते हैं, डॉटेड लाइन डॉट 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 बनाते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं 2H को, है ना, थोड़ा हल्का करते हैं 2H, ऐसा डॉटेड लाइन 2H यूज करते हैं, डॉटेड लाइन, सेक्शन प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन को बनाने के लिए है ना, इसका डायमेंशन बना रहे हैं उसका लाइन, एरो हेड, जैसे ये एरो बनाया और उसका हेड है तो हेड को ना ज्यादा गाढ़ा नहीं दिखाना है तो उसको हल्का दिखाना है इसीलिए उसको 2H यूज करते हैं एरो हेड को, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन को और हल्का दिखाना है। सेंटर लाइन कैसा होता है, देखो ये है सर्कल, इसका सेंटर लाइन को दिखाने के लिए देखो ऐसा दिखा रहे हैं, ये क्या है मेरा सेंटर लाइन, तो इसको शो करने के लिए एकदम हल्का शो करना है, एकदम हल्का, इसलिए 3H और 4H, ठीक, तो ऐसा होता है, ठीक, चलो हो गया आज के लिए इतना ही। कैसा, अभी तो शुरुआत है तो थोड़ा सा चेंज हुआ फिजिक्स के बाद, ठीक लग रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने में, थोड़ा नया है अभी तो कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि आपको रटने वाली चीज, ठीक, चल इतना हो गया, काफी कुछ अपन देख लिए हैं थ्योरेटिक, थ्योरी में हो सकता है, उम्मीद है मुझे जितना भी पढ़े उनमें से कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के, फिर अपन पढ़ेंगे स्केल, ठीक है, स्केल पढ़ेंगे, फिर स्केल के बाद आगे बढ़ेंगे अपन, फिगर वाली चीजें पढ़ेंगे, कर्व्स पढ़ेंगे, है ना, तो कर्व्स के बाद फिर अपन जाएंगे प्रोजेक्शन, तो उसके बारे में अपन पूरा क्लियर डिटेल, ठीक है, गुड नाइट सभी को।
एंड करते हैं क्लास।